जब राज्यभर में लॉकडाउन जारी किया गया है तो इसी बीच जिलों में कड़े कानून भी लागू किए गए हैं, मगर देखेंगे खास तौर पर विजयपुर जिले में क्या हालात गुम्मट नगरी के बने हुए हैं। क्या पूरी तरह से पालन हो रहा है लॉकडाउन का या फिर बेवजह लोग तोड़ रहे हैं कोरोना के नियम, देखेंगे नजारा मेरे सहयोगी सैफुद्दीन की ओर से विजयपुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल गुमट के सामने। आप देख सकते हैं गोल गुमट मेरा पीछे है और इस तरफ जो सिटी का अंदर जाने के लिए जो रास्ता है, यहाँ पे आप देख सकता है जो गोल गुमट का सीपीआई है बसुराज करके, उन्होंने खुद फील्ड पे आके सभी गाड़ी को पूछताछ कर रहे हैं, हर एक गाड़ी को इंक्वायरी कर रहे हैं। वो गाड़ी फालतू में आ रहा है या कुछ काम के लिए बाहर आया है या आईडी कार्ड है या नहीं है, हर एक गाड़ी आप देख सकते हैं मेडिकल का गाड़ी है, इनको भी रुकाया गया है, हर एक गाड़ी को पूछ रहा है। इसलिए पूछ रहे हैं कि पब्लिक के लिए अच्छा हो, कोविड जो भी बीजापुर में हो रहा है वो कोविड ज़्यादा ना हो, जल्द से जल्द हमारा बीजापुर खुल जाए पब्लिक के लिए। तो जो भी गाड़ी आ रहा है गाड़ी को भी इंक्वायरी कर रहा है, जो फालतू गाड़ी है उनको फाइन डाल के गाड़ी भी सीज कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना पुलिस अधिकारी को साथ सिपेसर सभी फील्ड पे सभी लोगों को पूछ रहा है आप किस लिए बाहर आए, क्यों आए। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पीछे मेरा, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा, उन्होंने दिखाए कि सिपेसर खुद फील्ड पे आके हर गाड़ी को रुका रहा है, हर गाड़ी को इंक्वायरी कर रहा है कि गाड़ी किस लिए आया है, फालतू में घूम रहा है या कुछ काम के लिए बाहर आया है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए आप देख सकते हैं मेरा पीछे सिपाही सर खुद गाड़ी को रुका रहा है, हर एक गाड़ी को खुद इंक्वायरी कर रहा है वो गाड़ी कहाँ जा रहा है, फालतू में जा रहा है या कुछ काम से जा रहा है। आप देख सकते हैं जो गोल गुमट का सिपाही सर है उन्हें खुद इंक्वायरी कर रहा है इनके बारे में, कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है, हर एक गाड़ी को इंक्वायरी कर रहा है, कौन सा भी गाड़ी को नहीं छोड़ रहा है, किस लिए, फालतू लोग बहुत घूम रहे हैं। इसी ऑफिसर अधिकारी को लेकर आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा सामने है या मेरा लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, हर एक गाड़ी को उन्होंने इंक्वायरी करके देख रहा है गाड़ी फालतू में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा थोड़ा नज़दीक आके बताए पब्लिक को कि हर एक गाड़ी को यहाँ पूछताछ कर रहा है और करना भी चाहिए, आपको बीजापुर का हालत तो पता ही है, काफ़ी सारा गाड़ी फालतू में घूम रहा है। दोस्तों, अभी हम मौजूद है जो सिंधी के बाईपास है, सिंधी के बाईपास में आप देख सकते हैं मेरा पीछे सिंधी के बाईपास यही है। यहाँ पे जितना भी गाड़ी बाहर से गाड़ी जो बीजापुर में एंट्री हो रहा है वो गाड़ी को पूछताछ कर रहा है, क्योंकि बीजापुर से जो गाड़ी बाहर जा रहा है वो पूछताछ होकर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पूछताछ नहीं कर रहा है। जो गाड़ी देख सकते आप, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा दिखाए, जो गाड़ी बाहर से आ रहा है वो गाड़ी को पूछताछ कर रहा है कि आप क्यों आए या किस लिए बाहर से आप सिटी के अंदर आ रहा है। मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा दिखाए, दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 22 में, आप देख सकते हैं जलनगर पे भी हर तरफ से यहाँ ऑफिसर लोग रुका है, हर गाड़ी को पूछताछ कर रहे हैं किस लिए वो गाड़ी बाहर आया। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ऑफिसर, इनको चेक कर रहे हैं, चेक करके उसके बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है। बाकायदा अगर कोई भी गलती से बेवजह घूमने लगा तो उनका गाड़ी को पकड़ के फाइन भी डाल रहा है या गाड़ी को सीज कर रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं हर एक गाड़ी को, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, हर एक गाड़ी को पकड़ के यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है, सब पकड़ के पूछताछ कर रहे हैं उनको कि बेवजह बाहर मत आइए, अगर बेवजह आप लोग बाहर आए तो आगे बीजापुर और आगे लॉकडाउन ज़्यादा हो सकता है, तो आगे चल के बीजापुर 7 तारीख को खोलने का सोच रहा है। आप देख सकते हैं पीछे किस, कोर्ट के पास है जो चौरास्ता है, उस चौरास्ता में
अब देख सकते हैं मेरा पीछे यहाँ पे भी ऑफिसर हर एक गाड़ी को पूछ रहा है, हर एक गाड़ी को इंक्वायरी कर रहा है, ये गाड़ी फालतू में आया या फालतू से कुछ काम के लिए आए, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, हर एक गाड़ी को इंक्वायरी कर रहा है। अब देख सकते हैं मेरा पीछे। तो लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज हिंदी के साथ। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें। और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।